1 जनवरी 2017 को जब अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की बागडोर अपने हाथों में ली थी तो उन्हें अपनी युवा टीम पर पूरा भरोसा था, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही जब एक के बाद एक चुनावी खाते में सपा को हार का हिसाब लिखना पड़ा तो अखिलेश का बेचैन होना स्वाभाविक था। विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव तक पराजय के सिलसिले ने दबाव बढ़ा दिया। इस साल तब सुकून के पल आए जब जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में सपा रेस में आगे निकल गई। इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं की उम्मीदों को पंख लग गए, इसलिए जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान अखिलेश ने हर जिले में बड़ी मोर्चाबंदी की, लेकिन दांव नाकाम रहा। यही वजह है कि अब ये चर्चा तेज है कि क्या अब अखिलेश 2022 के महामुकाबले के लिए फिर नई टीम और नए एक्शन प्लान का ऐलान करेंगे। सभी जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों से 7 जुलाई तक हार के कारणों पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। जाहिर है रिपोर्ट इसलिए मांगी गई है कि पार्टी के भीतर रहकर ही पार्टी में भीतर घात करने वालों की पहचान की जा सके और फिर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद जिला स्तर पर पार्टी संगठन में कुछ बड़े बदलाव होंगे, वहीं पार्टी के जो अलग अलग विंग हैं उसमें भी फेरबदल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन सवाल अगर किसी पर सबसे ज्यादा उठ रहे हैं तो वो अखिलेश यादव की टीम अखिलेश है, जिन्हें पार्टी ने पद प्रतिष्ठा तो दिलाई लेकिन वो इस चुनाव में अपने अपने जिले में भी पार्टी को जीत नहीं दिला पाए। 2012 से लेकर 2017 के बीच अखिलेश यादव ने जो एक टीम अखिलेश तैयार की थी उनमें से ज्यादातर लोगों को विधान परिषद भेजा गया, और अब जब जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव की जिम्मेदारी इस यूथ ब्रिगेड को सौंपी गई तो ये यूथ ब्रिगेड अपने अपने क्षेत्र में ही उम्मीदवारों को जिताने में नाकामयाब रही। हमसे नौजवान कौन है समाजवादी पार्टी में? हम तो काम करते हैं उतना, हमारे यहाँ का 18 साल 20 साल का लड़का काम नहीं करेगा, हमको बूढ़े में क्यों गिन दिए हैं? समाजवादी पार्टी को न केवल बड़े महानगरों में बल्कि अपने घर में भी हार का सामना करना पड़ा है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, संभल और कन्नौज में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। टीम अखिलेश के सदस्यों को इस चुनाव को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पार्टी ने उन्हें पूरी तरह से फ्री हैंड भी दिया था और कैंडिडेट सिलेक्शन में भी उनकी भूमिका काफी अहम थी। बावजूद इसके अखिलेश की ये यंग ब्रिगेड टीम पूरी तरह नाकाम रही। जहाँ तक टीम अखिलेश के युवा नेताओं का सवाल है तो हमने देखा है कि पिछले कई सालों से इनके नेता बयान तो खूब देते हैं, मीडिया में भी खूब आते हैं और सुर्खियों में भी आने की पूरी कोशिश रहती है, और अखिलेश यादव ने भी इनको पद दिया, प्रतिष्ठा दी और इनको हर तरह से ऐसा पोजीशन ली कि वो उनके बहुत करीब हैं। लेकिन जब ज़मीनी चुनाव की बात आती है तो मुझे लगता है ये लोग उस लिहाज से जुड़े हुए शायद लोगों से नहीं हैं। बीजेपी की इस आंधी में भी समाजवादी पार्टी 5 जिलों में अगर जीतने में कामयाब रही तो इसके पीछे पार्टी के पुराने और अनुभवी नेताओं की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जैसे बलिया में नारद राय और अंबिका चौधरी की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया, इसी तरह आजमगढ़ में पूर्व कैबिनेट मंत्री दुर्गा यादव ने जीत की रणनीति बनाई। एटा में हाल ही में बीजेपी छोड़कर आने वाले नेता और संत कबीर नगर में भी पार्टी के कद्दावर नेताओं ने ऐसी बिसात बिछाई कि वहां बीजेपी चारों खान चित हो गई। इस जीत में कहीं न कहीं पार्टी के जो पुराने लीडर हैं, जो अनुभवी नेता हैं, उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। बलिया, नारद राय और अंबिका चौधरी ने ऐसी बिसात बिछाई कि वहां बीजेपी को मात मिली। इसी तरीके से आजमगढ़ में पूर्व कैबिनेट मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने जो बिसात सेट की उसके चलते बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। सभी लोगों में कोई कहीं से ढिलाई नहीं थी क्योंकि हम अपने नेता के निर्देशों का पालन करने वाले लोग हैं, ये सही है। ये हमारा सौभाग्य है कि बलिया में हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित कर दिया और जिला पंचायत के कुर्सी पर लगातार तीसरी बार समाजवादी पार्टी ने कब्जा कर लिया। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जिला पंचायत अध्यक्ष पद के इस चुनाव को एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था, और इस सेमीफाइनल में समाजवादी पार्टी की यूथ ब्रिगेड कहीं ना कहीं फेल नजर आई है। ऐसे में अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी इस टीम अखिलेश पर ज्यादा भरोसा जताती है
या फिर पुराने नेताओं को तवज्जो दी जाएगी। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट।